हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो ये देख रही है, आज मेरे बेटो जगा के रखी है, तो इसको डाल दी हूँ मैं झूले में। अब बज रहे हैं 4:10 और ये मुझे 1:30 से जगाई है। अब जाके मैं इसको झूले में रखी हूँ, जब भी ये झूले में भी जग रही है। बज रहे हैं देखिए, 4:05 कि 10:10 है। और ये देखिए, इनकी आंखें बंद हो रही हैं, जग रही हैं लेकिन सो नहीं रही हैं। लेटे लेटे झूला झूला रही हैं कि सो जाए सो जाए सो जाए। 1:30 से ली हूँ गोद में, तो ये सो ही नहीं रही है। अभी मैं 3:30 लेके आई हूँ झूले में, लिटा देने के लिए सो रही सो नहीं रही दी है। हमको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, लेकिन हमारी बिटिया रानी सो ही नहीं रही कि हम सो जाएं। ये देखिए, थोड़ी देर पै पै करने वाली है। वो देखिए बेटू, अब उनको झूला भी नहीं चाहिए। हाँ ये देखिए, उनको झूला भी नहीं चाहिए। हाँ ओके, चलिए बेटे को उठा लेते हैं झूले से और मिलते हैं थोड़ी देर से। ये देखिए, उठ गई है शैतान मेरी। ये देखिए, शैतान उठ गई है। शैतान, अब इनको झूला भी नहीं चाहिए, इनको गुद्दी चाहिए। अब इनको गुद्दी में प्यालू प्यालू कर लो या फीडिंग कराओ। सबसे बोलो हाय, हमको नींदी नहीं आ रही है। तो चलिए इनको करा देते हैं थोड़ी फीडिंग, क्योंकि ये तो शुभ शुभ करने वाले हैं नहीं हैं, मम्मा को परेशान करना। ले चलते हैं इनको रूम में, चलें कमरे में, चलें कमरे में। ये कौन है? शैतान है। चले ले जाते हैं इनके रूम में, मिलते हैं सभी से। अरे फ्रेंड्स, तो बेटू हमारी सो गई थी, तो फिर मैं इनके रूम में आ गई थी। तो देखिए पूरा चद्दर उद्दर कितना फैला हुआ है, तकिया हो गया। तो बेटू को सुला के आई, तो इधर आ गई हूँ डाले। तब मेरी हालत देख लीजिए, पूरी रात जगने का, क्योंकि बेटू पूरी रात जगा ही रखती है। फिर सुबह काम रहता है, चादर उदर बनाओ, फिर खाना बनाओ। और बेटू को आज डॉक्टर के यहाँ भी मुझे ले जाना था, और इसके लिए थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, क्योंकि विंटर आ गया है तो वो भी काम करना था। तो सोचा कि चलिए जल्दी से चादर बना लेते हैं, फिर नहा लेते हैं। नहाने के बाद खाना वाना बना के जाते हैं, बेटू को डॉक्टर विजिट करा लेते एक बार, क्योंकि थोड़ी सी भी सर्दी सी लग रही थी, तो दिखा लेते हैं तो ज़्यादा सही रहता है। और बेटू रूटीन चेकअप जो बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि इस समय थोड़ी ठंड है तो रूटीन ठीक रहता है। तो जल्दी जल्दी से मैंने ऐसे डाल दिया कि बेटू उठ ना जाए, क्योंकि मुझे नहाना है और जल्दी से खाना भी बनाना है, इसलिए जल्दी। उसके बाद मैं निकल गई हॉस्पिटल के लिए। तो ये देखिए बेटू की मस्ती, ये बात कर रहे हैं फ़ोन से, और को बेटू जग रही है और देख रही है डैडी के लिए अपने। तो ये देखिए कितने प्यार से लेटी हुई है हमारी बिट्टो रानी, क्योंकि हॉस्पिटल जाना है और साथ में बेटू को शॉपिंग कराना है, कि विंटर में कपड़े ले लेते हैं, थोड़ी सही रहता है विंटर में, अभी से ले लेते हैं कपड़े। तो ये देखिए रास्ते में आ गए हैं, पहुँचने वाले हैं हॉस्पिटल, क्योंकि ये सोने नहीं देती। थोड़ा सा भी टाइम मिलता तो लगता है काम काम काम, जल्दी से काम कर लें। और ये देखिए इतने प्यार से देख रही है, और गाड़ी में तो पता नहीं क्यों शांत रहती है, गाड़ी में बहुत ही ज़्यादा शांत रहती है, गाड़ी में बिल्कुल हल्ला नहीं करती है। ये देखिए, या इसको थोड़ा सा गर्मी भी लगती है, तो थोड़ी ठंडा ठंडा के सी के इसको अच्छी लगती। उसके बाद देखिए, अपन कहाँ गए? हॉस्पिटल में आ गए हैं तुमको दिखाने। हाँ डॉक्टर को, डॉक्टर को दिखवाओगे? नहीं दिखवाओगे डॉक्टर को? अरे ले 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 ले, डॉक्टर को नहीं दिखवाओगे? दिखवाएंगे, आज तुमको सूजी लगवाएंगे हम, है ना? डॉक्टर आने वाले हैं। बिट्टू की स्माइल चालू हो गई है। डैडी देखो कहाँ खड़े, कहाँ खड़े हैं डैडी? उधर डैडी खड़े हैं, है ना? डॉक्टर आने वाले हैं बेटों को देखने के लिए। हम बेटू, हाँ
लल्ला बिल्ली उठो 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 उठो। फिर मैं आ गई थी शॉपिंग करने, तो जो मैं दुकान की थोड़ी सी ले ली थी, ज़्यादा मैंने नहीं लिया था। उसके दिन का वेट कर रही थी गाड़ी लेके आए जल्दी से, तो निकले हम सभी लोग यहाँ से और शॉपिंग हमारी कंप्लीट हो गई। और ब्लॉग आज का कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए।